अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ असद और आप लोग मौजूद हैं मेरे चैनल मसाला डॉट पी के विद शेफ असद। और उम्मीद करते हैं कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। और यहाँ उम्मीद के साथ साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपनी रिक्वेस्ट भी बता रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट भी हम पूरी करेंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो कौन सी है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा किचन किंग वालों का, जिन्होंने हमें ये हमारी वीडियोस के लिए गिफ्ट भेजे हैं। वो है फ्राई पैन है और एक बड़ा पतीला टाइप पैन है। तो जनाब बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट होती है, आपको मैं दिखाऊँ इसको। हम इसको आप देखें, इसके अंदर की आपको क्रोम जो नज़र आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन इनके पैंस होते हैं और मुझे तो खैर बहुत पसंद है। तो आज हम इसमें अपनी जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे। क्या रेसिपी क्या है? रेसिपी हम बना रहे हैं जनाब, आज इस फ्राई पैन में हम ब्रेड को फ्राई करेंगे और कढ़ाई में वोक में हम इसका दूध पकाएंगे। तो यानी आज बन रहा है शाही टुकड़े, ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और किस तरह से चाहिए, क्या क्या इनके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। देख लिए और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ हमने ले ली है ब्रेड स्लाइस और इस ब्रेड स्लाइस के जो हमने किनारे हैं उसको ट्रिम कर लिया, यानी कि इसको कट कर लिया। ठीक है, ब्रेड स्लाइस के किनारों को आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इसका आगे का फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर फ्लेम, दोनों फ्लेम ऑन करते हैं, किचन किंग के ज़बरदस्त से पैन। और एक पैन में मैंने फ्राई पैन जो है उसमें मैंने ऐड कर दिया है जनाब ऑयल, और दूसरे पैन में अब हम शामिल करने जा रहे हैं दूध। ठीक है, तो ये हमारे पास आधा किलो मैं ले रहा हूँ दूध। ठीक है, हाफ लीटर हमने ले लिया है मिल्क। हाफ लीटर मिल्क के साथ हम शामिल करेंगे हाफ कप शुगर। ठीक है, अब शुगर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं इसमें एसेंस। ठीक है, सैफ्रॉन यानी कि ज़ाफ़रान का एसेंस हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये हमने एसेंस डाल दिया। अगर आपके पास सैफ्रॉन है, ज़ाफ़रान है, तो आप बिल्कुल इसमें फ्रेश ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ज़ाफ़रान का कलर। ठीक है, ये हमने ज़ाफ़रान का कलर ऐड कर दिया, चीनी ऐड कर दी, ज़ाफ़रान कलर ऐड कर दिया। ठीक है, दूध में, और आप इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारे पास सैफ्रॉन का कलर जो है वो बेहतरीन सा हमारे शाही टुकड़े के दूध में आ चुका है। अच्छा, अब इसमें हमने इलायची का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े, तो इसमें हमने डाला है ज़ाफ़रान का एसेंस, तो इसीलिए हम इसमें इलायची का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, ऑयल हमारे पास जब गर्म हो जाएगा देन हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड स्लाइस जिसको हम फ्राई करेंगे। और अब साथ ही मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये हमारे पास मौजूद है खोया। ठीक है, आधा किलो हमने लीटर दूध ले लिया, उसके साथ आधा कप चीनी और तकरीबन आधा पाव के करीब हमने ये खोया डाल दिया। थोड़ा सा खोया मैं रोक लूँगा प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए, ये हमने खोया ऐड कर दिया है और अब इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ही सिंपल, झटपट और ऑथेंटिक रेसिपी है जो हमारे आप कह लेंगे सालों से चली आ रही है और पाकिस्तान से रिलेटेड एक बेहतरीन ये मीठा, और इसको आप कह लें कि रॉयल मीठा भी कहा जाता है। थोड़ा सा ये रिच है क्योंकि इसमें खोया भी ऐड हो रहा है और बहुत ही मज़ेदार हमारे पास ये शाही टुकड़े बनते हैं। चलिए, इसको हम पकने देते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर अब हमने फ्राई करना है ब्रेड को, तो पहले ऑयल चेक करने के लिए एक छोटा सा पीस डाल के देख लें। ये देखें, अभी हमारे पास ऑयल जो है वो बिल्कुल क्या है, ठंडा है। मेक श्योर कीजिएगा ऑयल ब्रेड आप डालें तो फौरन बबल आना शुरू हो जाए। तो
उस स्टेज पे आपने इसको फ्राइंग के लिए डालना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ब्रेड जो है वो आपका सारा का सारा ऑयल जो है वो सोक कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जो कि सही नहीं है और बिल्कुल भी हमने ऐसा नहीं होने देना। दूध को हमने इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। इस स्टेज पे आप इसकी शुगर वगैरह चेक कर सकते हैं। और अब ये ब्रेड हम डाल देंगे फ्राइंग के लिए, ठीक है। दो दो ब्रेड डालते हैं ताकि अच्छे से फ्राई करना है, क्रिस्पी करना है। और फ्राई करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि जब हम इसको डिश में लगा के इसके ऊपर हम दूध डालेंगे तो अगर ये क्रिस्पी नहीं होगी तो आपकी शाही टुकड़े बिल्कुल आप कह लेंगे लूज़ लूज़ और ब्रेड जो है उसमें एब्जॉर्ब होने लगती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने मेक श्योर करना है कि ब्रेड अच्छे से फ्राई हो, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये ब्रेड जो है हमारी क्रिस्पी हो जाए। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं उसको ज़रूर आप लोग कहीं लिख लिया कीजिए। ताकि आपकी चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। चले ये हमारे पास ब्रेड हो गई है फ्राई, इसको हम निकाल लेते हैं बिल्कुल अच्छे से ताकि हमारा ऑयल जो है वो इसमें से बिल्कुल निकल जाए। और बाकी ये दो ब्रेड हम डाल देंगे मज़ीद। इसको यहाँ रखते हैं और हमारे पास दूध भी रेडी हो रहा है। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपने थोड़ा सा इसको काम करके रखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह निकाल के रखे हुए हैं, तो बहुत ही आसान के साथ झटपट बन जाती है। और आप इसको खूब अच्छे से ठंडा कीजिए और फिर अपने गेस्ट को, घर वालों को सर्व कीजिए। चलिए जी हमारे पास फ्लेम ऑफ कर दी है और ब्रेड हमारे पास बिल्कुल डन है, ठीक है जी। और अब हम इस ब्रेड को लगाएंगे अपने डिश में जिसमें हमने इसको सर्व करना है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास डिश में लेंथ वाइज जगह बच रही है उसमें हमने ये हाफ पीसेस कट करके लगा दिए, ठीक है। इस तरह से ये हाफ पीसेस आप इस तरह लगा दें, बाकी एक ये पीस रह गया इसको आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से डन हो गया। और अब बारी है इसके ऊपर हम दूध डालेंगे जो हमने ये तैयार किया है, तो इस दूध को इस पर शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, ये ज़बरदस्त सा हमने जो शाही टुकड़े हैं हमारे पास वो तकरीबन तैयारी पर हैं। और दूध में अच्छे से ब्रेड को सोक कर दीजिए। अच्छा, अब चाहें आप तो इसके ऊपर जो है एक एक और लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डिश थोड़ी और हाइट में ज़्यादा हो ताकि जब आप इसके ऊपर मज़ीद जो है आप इसके ऊपर जब लगाएं पीस तो वो भी डिप होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप मेक श्योर कीजिएगा। साथ ही इसके ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़े से बादाम। इस तरह से आपने बादाम को थोड़े से हवाइयाँ काट लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। चांदी का वर्क मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे। ट्रेडिशनल जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनको आप ट्रेडिशनल ही जो है तरीके से पेश किया कीजिए, उसको ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमने थोड़े बादाम की हवाइयाँ काट ली,
ये हमने बादाम डाल दिए, ठीक है। उसके बाद ये खोया जो हमने रोका था, ये थोड़ा खोया डाल देंगे। और उसके बाद अब बारी है अपने चांदी के वर्क लगाने की। और चांदी का वर्क लगाते हैं, ये देखिए। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट है। तो जनाब हमारे पास आज ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े तैयार हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है आप लोग जो हमारी वीडियोस पे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और साथ साथ अपनी सजेशंस या फिर जो रिक्वेस्ट है वो ज़रूर भेजते रहिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो सके। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।